प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप के सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो है संधि। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि के आपको भेद बताए गए सात। सात संधि के जो भेद हैं, जिसमें छठा भेद चल रहा है आपका पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांत आदि। मतलब क्या होता है कि यदि पूर्व पद के अंत में पूर्व शब्द के अंत में ए या ओ स्वर वर्ण हो, ए या ओ स्वर वर्ण हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझो कि जब पूर्व पद में पहला पद जो है, पहला जो शब्द है, उसके अंत में ए या तो ए रहेगा या ओ रहेगा, ओ स्वर वर्ण हो, ओ स्वर वर्ण हो और उसके परे या बाद में, और उसके परे या बाद में ह्रस्व आकार हो, उसके परे या बाद में ह्रस्व आकार हो तो संधि करने पर हो तो संधि करने पर तो संधि करने पर पूर्व स्वर वर्ण का आदेश होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण पेश किया जाएगा, वैसे इसके नियम कम ही हैं। पूर्व रूप, पर रूप, दो संधि एक ही दिन आपको वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। तो जैसे पहला, यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ स्वर वर्ण हो और उसके परे या बाद में ह्रस्व आकार कह लो ए हो तो संधि करने पर पूर्व स्वर वर्ण का आदेश होगा। जैसे आपके पास है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हरे प्लस अव, ये ध्यान दो विद्यार्थियों, हरे प्लस अव, अब प्लस से पहले यानी इसमें ध्यान, पूर्व पद के अंत में, ये पूर्व पद है, पहला पद है, इसके अंत में एक ही मात्रा है, ईश्वर है, ईश्वर आ रहा है, ये ईश्वर है, और बाद में क्या है, इसके बाद में है। तो जब संधि करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, संधि करते समय पूर्व स्वर वर्ण का आदेश हो जाएगा, जो पहले स्वर वर्ण है उसी का आदेश हो जाएगा। और ये आदेश होने के साथ साथ होगा, ये मैं एक लाइन और बता दूं आपको, होगा तथा ऐश्वर का अवग्रह होगा। अवग्रह ऐसा होता, अवग्रह होगा, जैसे इसका बन गया है रे वे, ऐसी ये संधि बना। नंबर दो, दूसरा है जैसे रामो प्लस अवदत्त, ये है। अब इसमें ओ है, इधर ए है, तो ओ का क्या हो जाएगा, वही ओ रहेगा, रामो और आगे ए का क्या बनेगा, अवग्रह, अवग्रह बन जाएगा, तो अवग्रह कैसा निशान, ऐसा ए वे दैत। इस प्रकार से आप विद्यार्थी समझे कि यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ स्वर वर्ण आए और उसके परे या बाद में ह्रस्व आकार हो तो संधि करने पर पूर्व स्वर वर्ण का आदेश होगा तथा ए स्वर का अवग्रह होगा। क्या होगा, अवग्रह, ए जैसा होगा, ये अवग्रह जैसा ये हो रहा है, ए का अवग्रह हो गया, ए का अवग्रह हो गया। दूसरी जो इसी से संबंधित जो दूसरी संधि है, जो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने बताई जा रही है, जो समझे आप उसको, दूसरी है पररूप संधि। पररूप संधि
ये है इसका जो सूत्र है एंगी पर रूपम, ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जब ह्रस्व अकार के ह्रस्व अकार उपसर्ग से, अकार उपसर्ग से परे या बाद में ए या ओ, ए या ओ स्वर वर्ण आए, ए या ओ स्वर वर्ण आए तो संधि करने पर पूर्व व पर दोनों वर्णों के दोनों वर्णों के स्थान पर पर रूप आदेश होगा। जैसे आप देखिए पर रूप कैसे होगा, जैसे प्र प्लस ए जते है, जैसे ये है प्रेज्यति, प्र प्लस ए जते है। अब प्र में क्या है ए, इसमें दिया ना जब ह्रस्व अकार उपसर्ग से परे, ये इसमें ए, इससे परे इधर ए या ओ स्वर वर्ण आए तो संधि करने पर पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा, पर रूप आदेश होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये प्रेज्यति, प्रेज्यति शब्द बना। इसी प्रकार से दूसरा है उप प्लस ओस्ति, ये बना। तो जैसे ए, 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 ए के सामने क्या है ओ, तो क्या है पर और पूर्व, पर और पूर्व दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा, पर रूप आदेश होगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, उपोस्ति। इस प्रकार से आप इन संधियों को अच्छी तरह उतार लें। स्वर संधि का वीडियो आज समाप्त होने जा हो गया है। इस प्रकार से आप इनको अच्छी तरह उतार करके और याद भी करें और नोट्सबुक में अच्छी तरह उतारें। धन्यवाद।